पूछता है उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी बगावत के शूल की। जी हां, कमल हो या फूल, धधक रहे हैं बगावत के शूल। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घर में बगावत की आग सुलग रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के घर में कोहराम मचा हुआ था, लेकिन अब इस कोहराम के भीतर एक बड़ी खबर यह आई कि 70 सीटों पर, जो 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, उन विधानसभा सीटों पर 730 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि इन सीटों पर अब मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 70 में 730 नहीं बल्कि 750 उम्मीदवार अगर नामांकन कर दें तो खुद सोचिए स्थिति क्या होगी। अब आंकड़े को जोड़िए, क्योंकि अभी मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका मैं तारुफ भी करवाऊंगा, लेकिन आंकड़े को जोड़िए, बीजेपी के 70 प्लस कांग्रेस के 70 140 प्लस आम आदमी पार्टी के भी 70 लगा लीजिए, और कुल मिलाकर यूकेडी और तमाम दूसरे दलों के 300। लेकिन ये 350 प्लस हो जाता है तब जब 750 नामांकन दाखिल हो जाते हैं, यानी कि 750 प्रत्याशी अभी फिलहाल नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इनमें से अधिकतर बीजेपी और कांग्रेस के घर के बागी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी खबर है? इसमें बड़ी खबर है उत्तराखंड के इतिहास को टटोलिए। उत्तराखंड के इतिहास को अगर आप टटोलेंगे तो देखेंगे कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत और हार का मार्जन 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 के आसपास का होता है। कई बार तो सीट पर 4 वोट से भी चुनाव में हार और जीत हो जाती है। है इसका उदाहरण नरेंद्र नगर की सीट, जहां पर 3 और 4 वोट से सुबोध उनियाल चुनाव जीते और हारे। लेकिन मेरा यह कहना है, जो उत्तराखंड पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के घर में जो धधक रही आग का फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा, फिर इससे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 2012 2007 ये दोनों अध्याय याद करिए। 2007 जब राजेंद्र भंडारी चुनाव जीत के आए निर्दलीय होकर, कांग्रेस से बागी हुए थे, चुनाव जीते, ना सिर्फ चुनाव जीते बल्कि खंडूरी सरकार को समर्थन दिया, बल्कि मंत्री भी बने। उस समय यशपाल बेनाम भी चुनाव जीते थे, यशपाल बेनाम भी उस सरकार को समर्थन दे रहे थे। फिर बारी आई 2012 की, एक पीडीएफ हुआ करता था, याद होगा आपको, उसमें तमाम निर्दलीय यूकेडी बीएसपी के नेता इकट्ठे होकर सरकार को समर्थन देते थे, जिसे कहा जाता था कभी कभी ब्लैकमेलिंग करते। ये वही चेहरे थे जो निर्दलीय चुनाव जीत के आए, और उत्तराखंड का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां निर्दलियों का बोलबाला रहा है। ये 2017 का चुनाव अपवाद है, और ये 2017 नहीं है जब लहर थी, ये 2022 है। ये चुनाव बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी है, तभी उन्होंने अपने विधायकों के टिकट काटे। जिनके काटे वो भी नाराज है, जिनको नहीं मिला वो भी नाराज है, और एंटी इनकम्बेंसी बोर्ड है। प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अब डैमेज कंट्रोल करेगा तो करेगा कौन? यही स्थिति कांग्रेस के घर की है। हालात ये हुए कि रामनगर की सीट से बेरंग वापस लौटना पड़ा हरीश रावत को, और जिस सीट पर गए वहां भी बगावत, लालकुआ, संध्या मोर्चा गाड़े हुए हैं, मजबूत है। ना सिर्फ लालकुआ की सीट, पड़ोस की सीट सितारगंज, नारायणपाल बागी हो गए, बीएसपी से टिकट डाल दिया। ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं उनका जिक्र करूंगा। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, आज इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक विद्रोह का बुगुल बज रहा है, और असंतुष्टों को मनाने में बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ी हुई है।
मैं कोटद्वार का जिक्र करूं तो कोटद्वार में धीरेन्द्र सिंह चौहान है वो बीजेपी के बागी हैं रुद्रप्रयाग सीट पर, कांग्रेस के बागी मातवर सिंह कंडारी हैं घनसाली में भी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बगावत की चपेट में है। घनसाली में कांग्रेस भीमलाल आरे ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी में सोहन लाल ताल ठोक रहे हैं, और धनोल्टी में बीजेपी के घर में पूर्व विधायक ही बागी हो गए महावीर रांगड़। ऋषिकेश में कांग्रेस के घर में शूरवीर सिंह सजवाण बागी हो गए। धर्मपुर सीट पर वीर सिंह पवार जो कि बीजेपी के हैं नाराज हैं ये भी। दून कैंट में दिनेश रावत, अगर ये मार भी गए तो इनकी नाराजगी जो है वो भारी पड़ सकती है, वो भारी पड़ सकती है। और इस नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं ऋषिकेश से आगे बढ़ूं तो धर्मपुर का मैंने जिक्र किया था जहां पर वीर सिंह पवार हैं, देहरादून कैंट में दिनेश रावत हैं, डोईवाला में सौरभ थपलियाल हैं, रुद्रपुर में तो टिकट कट गए बागी हुए राजकुमार ठुकराल जो खुद विधायक नाराज हो गए, टिकट कट गया वो भी त्याग पत्र देकर जो है वो निर्दलीय चुनाव। अब काला ढूंगी का जिक्र करें, गजराज बिष्ट ये भी बीजेपी से बागी है जो कि पूर्व मंत्री थे, राज्य मंत्री रहे। नारकुआ में कांग्रेस की बागी संध्या है जो कि खुद हरीश रावत के खिलाफ ताल ठोक रही है। नैनीताल में बीजेपी से अब जो है जो हेम आ रहा वो नाराज होकर जो है अब जो है सीधे तौर पर हेम आर्य जो है वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुकी है। तो कई हैं, गढ़वाल से कुमाऊं तक जो है विद्रोह का बिगुल बजा हुआ है। अब इसे कैसे शांत किया जाएगा तो आपको बता दें, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस का चेहरा है, और कमलेश रमन जी निष्ठावान कार्यकर्ता है, मैंने निष्ठावान बोलता हूं, उसके पीछे की वजह भी बताऊंगा मैं अभी। हमारे साथ अभी डीके पाल साहब जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ेंगे, अवधेश नोटियार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत कमलेश रमन जी आपके साथ करना चाहूंगा मैं। मैडम कैसे हैं आप? कमलेश मैडम जरा अनम्यूट कर लीजिए और फिर चर्चा को हम शुरू करते हैं। और डीके पाल भी साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले कमलेश रमन जी, मैंने कहा कि हर कोई कमलेश रमन नहीं होता, कि टिकट मिल गए नाराज भी हुए, नाराजगी दूर भी हुई, और फिर लड़की हूं लड़ सकती हूं ये कहते हुए जितवाने के लिए पहुंच गए। कमलेश रमन जी, विद्रोह के जो स्वर सुनाई दे रहे हैं ये मुझे ही सुनाई दे रहे हैं या आप लोगों को भी सुनाई दे रहे हैं? देखिए जब चुनाव आते हैं तो सब अपनी अपनी तरह से मेहनत करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हर कार्यकर्ता सोचता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। तो टिकट तो क्योंकि एक ही व्यक्ति को मिलना होता है, तो जब एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो बाकी लोग सब नाराज हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं पार्टी उनको मैनेज करने की कोशिश करती है, और जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं वो मान भी जाते हैं और पार्टी के लिए काम भी करते हैं। तो ये तो एक क्योंकि हर 5 साल में होता है कि एक व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत के ऊपर वो मांगता है, पार्टी से टिकट मांगता है, और अगर पार्टी नहीं देती है। जी कमलेश रमन जी, हर कोई कमलेश रमन नहीं होता ना, आपकी फेहरिस्त में पढ़ रहा था वो मैंने देखी, मैं तो खुद हैरान हो गया, इतने बागी बगावत का बिल्कुल ऐसा बजा कि रामनगर से हरीश रावत जी को भी कूच करना पड़ा लालकुआ गए तो गए जी, सर मुंडवाते हुए ओले ये पड़ गए कि लालकुआ में संध्या खड़ी हो गई। अब बताइए किस किस को मनाया? ऐसा नहीं है तिलक जी, देखिए क्योंकि वो पार्टी की बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है, और जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनको मनाने जाएंगे तो वो मान भी जाएगी, क्योंकि कुछ परिस्थितियां इस तरह की हो जाती है कि वो हमारे बस में नहीं होती है, और पार्टी ने कुछ अपनी गाइडलाइन दी हुई होती है, उसी गाइडलाइन के अनुसार टिकट वितरण होते हैं। और संध्या डालाकोटी जी की मैं दशा समझ सकती, मिला उसके बाद उसे छीना, तो वाकई है कि दुखद घड़ी तो है कि वो संध्या डालाकोटी जी एक महिला है और उनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ता है जब हम संगठन में है तो संगठन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर टिकट पे निर्भर नहीं करता। आप सिर्फ ना, आप सिर्फ पोस्टर में लिखते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सिर्फ पोस्टर में लिखते हैं, माफ करिएगा लेकिन सच बोल रहा हूँ। कमलेश रमन जी, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे साथ रविंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और साथ साथ अवधेश नोटियाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि
राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार में से एक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। लेकिन रविंद्र कुमार जी, मैं तो कांग्रेस की लिस्ट पढ़ रहा था तो आप ही की लिस्ट भी पढ़ी मैंने, बगावत के शूल तो चारों तरफ धधक रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी यानी कमल हो या फिर हाथ हो, दोनों तरफ। मैं सबसे पहले तो आपसे सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा, और जिस प्रकार आपने कहा कि सब तरफ जो है बगावती सुर हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी बगावत कहीं भी नहीं हुई है। और थोड़ा बहुत रोष जो टिकट कटने का होता है उसका थोड़ा बहुत दोष होता है, और उसमें थोड़ी सी मन की थोड़ी व्यथा होती है जिसका भी टिकट कटता है, क्योंकि लंबे समय से उसने सेवा करी और उसका अचानक से टिकट कट जाए तो थोड़ा सा उसके मन में आता है। तो ऐसे कुछ एक लोग हैं जिनसे धीरेन्द्र सिंह चौहान, घनसाली में जो है आपके सोहन लाल जो कि खंडवाल साहब हैं, धनोल्टी में जो है वो महावीर सिंह रांगड़ हैं, धर्मपुर में आपके वीर सिंह पवार हैं, देहरादून कैंट में आपके जो हैं दिनेश रावत हैं, फिर डोईवाला से हैं राजकुमार ठुकराल। सर लिस्ट तो बहुत लंबी है आपकी। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ऐसे कार्यकर्ता जिनको मन थोड़ा सा व्यथित होता है लंबे समय से जो काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बगावत है, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे जो वो है उनसे संपर्क में है, कुछ लोग मान गए और कुछ लोग आने वाले समय में मान जाएंगे, और जो नहीं मानेंगे फिर उसके ऊपर पार्टी के हिसाब से जो पार्टी की अपनी व्यवस्था है उस पर, क्योंकि टिकट तो कोई भी कितना भी लड़ ले कैसे भी कर ले मिलना तो किसी एक को ही है। और क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जहां पे नारा तो दिया जाता है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन बेचारी जब महिला एक लड़ने के लिए तैयार होती है तो उसके हाथ से लड़ाई का सामान छीन के ऐसे कह रहे हैं कि सबको मना लेंगे आप। आपके तो खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं की नेताओं की कहीं भी से कहीं तक कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी बात मानो कि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, विचार वाली पार्टी है, और हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और हम अपने विचारों पर गर्व करते हैं, और ऐसे ही तमाम हमारे जो नेता है जो हमारे कार्यकर्ता है वह सभी कहीं ना कहीं विचारों से बंधे हुए लोग हैं। जब उनके पास कोई हम जाते हैं, हमारे वरिष्ठ लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मान मनाने का अपना जो है वो अच्छा सबको मना लेंगे लास्ट समय तक भी उनको, हाँ लास्ट समय तक भी हमारी है उम्मीद कि हम मना लेंगे। अवधेश नोटियाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अवधेश जी, ये कह रहे सबको मना लेंगे, मैंने कहा कि 2017 का चुनाव एक अपवाद था जहां पर निर्दलियों का बोलबाला नहीं था, इतिहास गवाह है, यहां तो चार चार सीट चार चार वोट से भी लोग हारे चुनाव जीते हैं। ये कह रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता बागियों से? देखिए तिलक जी, बिल्कुल इस बार जो है फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए पहले की चीजें थोड़ा सा इन्होंने बहुत ज्यादा पेचीदगियां इस बार देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। देखिए पहले चीजें जो आपने 2017 में बोली, 2017 के अपेक्षा में 22 में टिकट वितरण जो मैंने देखा, ये 22 में जो टिकट वितरण बिल्कुल भिन्न था। आपने कहा कि हमने सर्वे कराए हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार सर्वे कराए हैं और सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण होगा, लेकिन जब टिकटों का वितरण हुआ तो उसमें आश्चर्यजनक रिजल्ट निकल के आया कि चलिए कुछ जगह पर तो आपने चीजें करी, लेकिन आपने कम से कम 50% में कहूंगा कि 50% में ऐसा रिजल्ट देखने को मिला सीटों पर कि जहां हम लोगों को भी लगता था कि सर्वे ये कहता है या हमें जो इंटरनल जानकारी थी कि सर्वे ये कहता है, लेकिन जो टिकट जो है अगले को मिल गया। बहुत सारी चीजें हैं, बगावत का ये कारण नहीं है, बगावत इसलिए होती है कि अगर सारे नेताओं को ये लग जाता है कि हाँ इस नेता ने 5 साल मेहनत की है, वाकई ये टिकट का हकदार है, अगर उस नेता को टिकट मिलता है तो बगावत की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन अगर बगावत कहाँ होती है, जहां ये लगे कि हाँ यार हमने भी यही सुना था सर्वे में कि फलाना नेता आगे था, उसने मेहनत की है और जो है वहां तो जो नाम था वो मंगत राम का आगे चल रहा था और मंगत राम जी लगातार मेहनत कर रहे थे और मंगत राम को टिकट मिलना चाहिए था, और जो टिकट राम जो है चिंटू राम उठा के ले गए, तो वो कहते हैं कि ये चिंटू राम कहाँ से आए, कौन से सर्वे से आए और ये कैसे हो गया। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि भैया
आप कल तक तो किसी दूसरे दल को कोस रहे थे, उनके नेताओं की तमाम नाकामियां गिना रहे थे, तमाम चीजें आपको लग रही थी कि यार तमाम वो तो नालायक चंद है, तमाम ये है और तमाम वो है, लेकिन जब एंड टाइम पे आपको लगता है कि ये इनके इन प्रकार हमें सत्ता में वापसी चाहिए, हमें सत्ता में बने रहना है, तो जो जो आपको जिनके ऊपर आपको तमाम कमियां दिखाई दे रही थी, जिनमें आपको बहुत सारी वो आप उनको मतलब आप उनको पहले बोलते कि ये किसी काम के नहीं है, अचानक से ना आपको प्रेम उमड़ पड़ता है। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधा पूछ लेता हूँ, ये कह रहे हैं रमेश जी आपने किशोर उपाध्याय जी का सर्वे करवाया? देखिए कई जगह जो होती है वह जो होता है सर्वे के आधार पे टिकट का वितरण होता है, कई जगह पे जिताऊ कैंडिडेट होते हैं। अच्छा, और देखो मतलब कोई भी राजनीति आप ही के विधायक जिताऊ नहीं थे, इसलिए आपने जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को कहा कि आप आ जाइए। देखिए आप मैं अपनी बात मेरे मुंह में न डालें, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा इंटरनली जो कार्यकर्ताओं का और लोगों के बीच का जो फीडबैक होता है उसमें जिताऊ बीजेपी को कोसा, जिन्होंने बीजेपी को कोसा, आप बीजेपी के वो नेता जो कैडर आपके जिन्हें आप पन्ना प्रमुख कहते हैं, जो कैडर है आपके, अब वो कहेंगे किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है किशोर उपाध्याय ने बीजेपी को कोसा, बीजेपी के नेताओं को कोसा, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएंगे वो, आप ये कह रहे हैं? देखिए राजनीति में कब कौन क्या किसको कोस रहा है, किसको कुछ कह रहा है, लेकिन आज माननीय किशोर उपाध्याय जी का मन जो है भारतीय जनता पार्टी में, पिछले काफी समय से उनका मन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ को था, और भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्य और नरेंद्र मोदी जी का जो है पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा है उनसे प्रभावित होकर आज हमारी पार्टी में हमारे परिवार में कोई शामिल होने आता है तो उसका स्वागत है, उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वो एक महीने पहले ही कैसे हृदय परिवर्तन हो गया, वो 15 दिन पहले ही कैसे हृदय परिवर्तन हो गया कि जो है मोदी जी के कार्य मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और तमाम चीजें हैं, वो पिछले 4 साल 9-8-9 महीने कहाँ चले गए थे मोदी जी के कार्य? मोदी जी तो 2014 से प्रधानमंत्री है और लगातार जो मोदी जी ने काम तो पिछले 2014 से लेकर 19 में बहुत अच्छे किए हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन तब हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ये टिकट वितरण से 15 दिन पहले ही कौन सी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, कौन से अंतर ध्यान उनके उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए कि भैया बीजेपी ज्वाइन कर लो और तुम्हें जो है सब हो गया, तुम्हारा मोक्ष की प्राप्ति तुम गंगा नहा लो। देखिए ये जो आपके द्वारा कही हुई बातें है ये ठीक है, आप एक, एक, एक हंसी के लिए या उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आप एक बात समझे कि किसी का हृदय परिवर्तन एक महीना पहले कर सकता है, अब किसी के हृदय में लंबे समय से क्या चल रहा है और क्या वो है चाह रहा है, ये 2 दिन में या एक नहीं। अच्छा रवि जी आप भी राजनीति में है, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, कोई एकाध नेता ऐसे बता दीजिए जो चुनाव से पहले जो चुनाव ऐसे बीच में कोई आए जब जिसको कोई लोभ लालच कुछ ना हो, भैया मैं तो सेवा करने आ रखा हूँ, वो कुछ ऐसे बिल्कुल बीच सेंटर पॉइंट पे आए, इन नेताओं का हृदय परिवर्तन ये टिकट वितरण से एक महीने के अंदर ही कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है इन लोगों का कि ये इनको यहाँ दिखाई देता है कि चलो भैया हृदय परिवर्तन हो गया मुझे सारे 15 घंटे पहले भी मैंने घंटों की बात कर लेता हूँ मैं आपके सारे प्रश्नों का आंसर देता हूं। अब देश भाई थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, कुछ घंटे बोलिए घंटे, हाँ दो घंटे पहले सुबह मैं आपके नहीं अरे पुरोला वाले दुर्गेश जी को तो 12:30 बजे ज्वाइन कराया, 2 बजे टिकट थमा दिया, जब पहली लिस्ट आई तो पुरोला का नाम उनके लिस्ट पर था, तो हाँ हृदय परिवर्तन को ज्वाइन करवाया और सुबह खुद को टिकट मिला, बेटे को भी टिकट दिला गए। देखिए ऐसा अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए, आप पहली बात एक बात समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि अभी 2 बजे आया 4 बजे उसे टिकट मिल गया, ऐसा नहीं होता, पिछले काफी लंबे समय से किसी ना किसी से उसकी बातचीत हो रही होती है, वो संपर्क अच्छा, में होता है उसके, अच्छा उसके रवि जी नवंबर में वो आर्मी कांग्रेस ज्वाइन करता है, हरीश रावत और प्रीतम सिंह कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं दुर्गेश जी को, कांग्रेस की लिस्ट में भी उनका नाम होता है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं दूसरी पार्टियों के विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा ही अगर होता तो आप मेरी बात समझिए कि किशोर उपाध्याय जी बहुत लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से उपेक्षित थे
और वो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगातार संपर्क में। ये पैनल बनता है आंखों में धूल झोंकने के लिए आपके कार्यकर्ताओं की। नहीं, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, पैनल बनता है, आप 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं और आप एक आध सीट को लेके पूरे सिस्टम पे उंगली उठाना तो ठीक नहीं है ना भाई। पूरे सिस्टम पे उंगली उठाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है सारे। कमलेश रमन जी वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये बीजेपी में थोड़ी ना होता है, कांग्रेस में भी होता है। अभी ना थोड़ी देर पहले, लगभग आधा एक घंटा पहले मेरी नारायण पाल जी से बात हो रही थी, नारायण पाल सितारगंज वाले बेचारे बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कह रहे थे कि 2012 में मुझे धोखा दिया, मैंने बोगड़ा जीतवाया, 2017 में मुझे धोखा दिया, फिर 2022 में मुझे हरीश रावत ने फिर धोखा दे दिया। बताओ कितने जख्म से हूं मैं, और भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। फिर मैंने उनको उदाहरण देके समझाने की कोशिश की कि हर कोई कमलेश रमन नहीं होता, हर कोई। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बात बोलने वाला था कि जो हमेशा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाए, नारे लगवाए और एंड टाइम पे आप अध्यक्ष जो है कहीं से भी उठा के बना दें। हाँ, और फिर नारा भी पीछे लगाती है मैडम की लड़की। हाँ, हमेशा, और पता नहीं कैसे मान जाती हैं। दीदी तो दीदी धन्य है बिल्कुल, आज भी बिल्कुल प्रणाम करता हूँ आपको कि आज भी पीछे खड़ी थी आप और आज भी मान गई आप। धन्य है। 2017 में भी मैडम मान गई थी और 2027 में भी मान गई, फिर से लिख लीजिए। कमलेश मैडम अब आप याद रखिए, पता है एक बात, आपसे ईमानदारी से दिल से, जब आप भावुक हुई थी ना, आप जब भावुक हुई थी मैं भी भावुक हो गया, दिल से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमारे भाई जो मीडिया का चौथा स्तंभ है वो हमारी भावनाओं को देखता है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखता है। तो मैं धन्यवाद करूंगी और नोटियाल जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारी भावनाओं को इतने अच्छे से देखा और समझा भी। और ये पीड़ा तो जिनको देखना चाहिए था वो चक्राता चले गए, जिनको देखना था वो श्रीनगर चले गए, जिनको देखना वो लाल कुआं चले गए। अब हमारे देखने से मैंने तो कहा कि मैंने देखा कमलेश जी भावुक हो गई, मैं भी भावुक हो गया। देखिए वो एक पल था कि जब लगा कि वाकई कुछ ना कुछ, अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि नारायण पाल जी इस समय जो बात कर रहे थे कि मेहनत की मैंने और इस वक्त मुझे नहीं मिला, जख्म है, तो ये बहुत सारी चीजें पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक सीट पे कम से कम 9 से 10 लोग टिकट मांगते हैं और पार्टी कहीं ना कहीं सारी सीटों को गहन मंथन करने के बाद एक व्यक्ति के ऊपर मोहर लगाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो 9 आदमी आहत होते हैं, क्योंकि हर एक को ये लगता है कि उन्होंने पूरी मेहनत की है, जोर से मेहनत करी है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिना मेहनत किए हुए भी जब कुछ ले जा लेता है तो जो मेहनत करने वाला होता है वो वाकई दुखी होता है। ये बात में आपकी असत्य है, क्योंकि मैं सच कहने में कभी गुरेज नहीं करती हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त जो कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, आज जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो कहीं ना कहीं निराशा तो है उनके मन में और भाव भी है कि हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि संगठन देखता नहीं है, संगठन उन कार्यकर्ताओं की ओर भी देखता है और जानता है कि भाई जिन लोगों ने मेहनत करी है उन लोगों को हमें कहाँ एडजस्ट करना है, वो करता भी है, वो सारी चीजें हैं। अब अगर बंदा मेहनत करता है, काम करता है, उसकी अकॉर्डिंग उसको फल नहीं मिलता है तो ये उसको महसूस होता है कि दूसरा व्यक्ति कैसे। पर मैं एक परंपरा का घोर विरोध करती हूँ कि कोई भी कहीं से भी उठ के आ जाए और 2 मिनट में किसी को टिकट मिल जाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे अन्य दल हो, तो ये मैं इसकी घोर मुझे मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ कि कोई भी व्यक्ति आए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वर्षों तक किसी सीट के ऊपर, अगर उसको दरकिनार किया जाता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत पहुंचती है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो हम लोगों को इन चीजों को देखना चाहिए। और रही बात ये कि पार्टी जब भी देखती है वो ये देखती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, कौन सीट से चुनाव लड़ सकता है, कौन जीत सकता है, वो अपने आंकड़ों के हिसाब से चलती है। अब कोई भी पार्टी वो इसमें वो अपने आंकड़ों के हिसाब से ये देखती है कि कौन व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसका कितना वजूद है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी बिल्कुल, इसका उदाहरण दे सकता हूं। मैं आपको बताना चाह रही हूं, उदाहरण दे सकता हूं। कार्यकर्ता जो हरीश रावत जी बता रहा हूँ ना, लाल कुआ में हरीश रावत का कौन सा सर्वे हुआ था बताइए, हुआ था। देखिए अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए, मुझे तो लगता नहीं कि सर्वे के हिसाब से टिकट दिया जाता होगा। हाँ, क्योंकि आया राम गया राम होते हैं उनकी वजह से ये सर्वे सारे फेल हो जाते हैं। तो सर्वे तो कुछ नहीं माने रखता, अगर इच्छा शक्ति है आगे बढ़ाने किसी भी कार्यकर्ता को तो वो किसी भी कंडीशन में बढ़ सकता है। ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा लगता है आपको? मैं देख रहा था 70 सीटों पर 750 नामांकन भरे गए हैं, इनमें से 100 भी वापस ले लेंगे तब भी आधे से ज्यादा जो है वो बिना पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और सारे बीजेपी और कांग्रेस के घर के हैं।
जो वर्तमान परिस्थितियां तिलक जी बहुत मुश्किल है डैमेज कंट्रोल होना, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की चाहत रखने वाले बड़े नेता हैं, जो जो साम दाम दंड भेद किसते रखते हैं, जो फाइनेंशियली मजबूत हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो है ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि जो भी दल सत्ता में आए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो 31-32 पे आके अटक जाए। तो कोई भी जो बड़ा नेता है जिनकी स्थिति मजबूत है, जो पिछले 20 सालों से उत्तराखंड की सत्ता को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं, तमाम दिल्ली में जाकर अपनी सेटिंग गेटिंग या लॉबिंग कर रहे हैं, वो किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि जो प्रचंड बहुमत मिले या आंकड़ा जो है 36 के पार चला जाए। वो इस बार, और इस बार की जो स्थितियां हैं, अगर आप फील्ड में लगातार आप जाते हैं, मैं जाता हूं, देखेंगे तो तमाम बीजेपी के इंटरनल लोग भी यही बोल रहे हैं, कांग्रेस के इंटरनल लोग भी यही बोल रहे हैं कि आंकड़ा जो है टॉस हो गया है, यानी दोनों पार्टियां बराबरी पे हैं। अंदर की जो बातें बता रहा हूँ, बाहर भले ही, बाहर भले भाई, यानी अब की बार 60 पार नहीं होगा, नारा भले ही 60 पार का हो, लेकिन बीजेपी वाले भी अंदर खाने जानते हैं और कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि 60 पार तो बहुत मुश्किल है। हम जो है 30 पार भी आ जाएं तो बहुत बड़ी गनीमत है, क्योंकि भरोसा निर्दलियों का है, और दोनों ही दल के जो बड़े नेता है वो ये चाहते हैं कि जो उनके चहेते लोग हैं, जिनको उन्होंने डमी खड़ा कर रखा है, देखिए कोई भी डमी होता है मुश्किल से, आप जानते हैं तिलक जी, कि एक या दो ऐसे नेता होंगे जो फाइनेंशियली मजबूत होंगे, जैसे दिनेश धने को लगा लें, या एक दो मोहन काला हो गए, दो तीन लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली मजबूत होते चुनाव लड़ पाते हैं, बाकियों को लड़वाया जाता है, पीछे से होता है कि हाँ यार चल यहाँ पर सीटें मैनेज हो जाएंगी, अगर इसका पड़ा इसका लीडर यहाँ से हार गया, इसकी सीट यहाँ से कम हो जाएगी, मैं इधर से आ जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ों का अंकगणित है, जब मुख्यमंत्री चयन की बारी आएगी या कुछ निर्दलियों को लेने की बारी आएगी, तो मेरे नाम पर सहमति बन जाएगी। तो ये सारी इस बार का, अवधेश भाई ने बड़ी बात कर दी, कमलेश रमन जी, फिर उसके बाद रविंदर जी आपके पास आ रहा हूँ, अब पूछिए कैसे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नारायण पाल का जिक्र किया था, अभी ठुकराल साहब पे भी आऊंगा। नारायण पाल पता क्या कह रहे थे कमलेश जी, हैरानी हो जाएगी अवधेश भाई आपको भी, इंटरव्यू में क्या बोले, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर अभी मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे थे, लाइव बैठे हुए थे सितारगंज से, पता क्या बोले कमलेश मैडम जी, कह रहे थे कि जिसको टिकट दिया है उसको टिकट पता कैसे मिला। मैंने कहा कैसे मिला, बोले कि बोगड़ा जी का फोन गया था कांग्रेस के बड़े नेता के पास जी, तो उन्होंने टिकट जो है उसका फाइनल करवा दिया, क्योंकि उनके बेटे को चुनाव जितवाना था सितारगंज में, सितारगंज में चुनाव जितवाना था, बोगड़ा जी ने संपर्क किया कांग्रेस के बड़े नेता के साथ, कांग्रेस के बड़े नेता ने एक डमी कैंडिडेट को उतार दिया, जो बात अवधेश जी बता रहे थे। समझ रहे हैं मैडम आप कि चल क्या रहे, मतलब ये जो आरोप है, इस आरोप के पीछे मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है, लेकिन वो संकेत दे रहे थे, पता है किसका, बोले मैंने हरीश रावत जी को, मैं ऑन लाइव बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ जो उन्होंने बात बोली, मैंने हरीश रावत जी को, आपके प्रभारी देवेंद्र जी को, कांग्रेस के उस बड़े नेता की कॉल रिकॉर्ड दिखाए विजय पोखरा से बातचीत करते हुए, उन दोनों की सेटिंग हो गई और इसलिए मेरा टिकट कट गया जी। है कि नहीं हैरानी की बात कमलेश मैडम? देखिए मैं नारायण पाल जी की बाकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन क्योंकि विजय बोगड़ा जी, माने विजय बोगड़ा जी इस वक्त बीजेपी के नेता है, और नाम भी ले लेता हूँ, उन्होंने संकेत दिया प्रीतम सिंह का, आप सुनिए, उन्होंने मैं बहुत प्रीतम समझता था उन्हें जी, अरे की वो फोन पे थे, बता रहे थे, संकेत दे रहे थे कि फोन पे बातचीत हो रही थी दोनों की, मेरा टिकट कटवा दे। देखिए मैं उनकी बात को इनके इत्तेफाक से रखती हूं, आप बताइए, क्योंकि क्योंकि जो बगोड़ा जी बीजेपी में है, तो बीजेपी के नेता के कहने पर कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देगी, ये तो मैं उन चीज से इत्तेफाक नहीं रखती हूं मैडम, वो तो अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि विजय बगोड़ा जी ने विजय बगोड़ा से बात हुई और उसके बाद मेरा टिकट कट गया, अगर उनके पास कॉल रिकॉर्ड थी और इस तरह की कोई बात थी, तो उनको तो कांग्रेस भवन में आकर के बैठना चाहिए था और बात रखनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए। हरीश रावत जी को कह रहे हैं, दिखाया मैंने सब कुछ, वो बता रहे थे कागज दिखाए, कह रहे दस्तावेज दिखाए, नहीं देखिए हमारे यहाँ कमेटी बनी, उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक की कमेटी बनी है, तो उसमें किसी एक व्यक्ति को फोन करके तो टिकट नहीं हो सकता ना, पूरी कमेटी बैठी है, सहयोग से होगा और सभी के कहने से होगा, जब सबने आपस में सलाह करी रविंद्र जी, टिकट तो तभी हुआ होगा रविंद्र जी। जी जी। एक ऐसी मेरी बातचीत हुई थी दो दिन पहले राजकुमार ठुकराल जी से, बहुत गुस्से में थे, बोले तिलक चावला लिख लो, चुनाव लड़ूंगा,
हिंदुत्व के एजेंडे पे लड़ूंगा, इन्होंने टिकट बेच दिया, पार्टी मेरी माँ है, इन्होंने टिकट बेच दिया, वो सुना था आपने रविंद्र जी, बहुत चैनल पर चल रहा है सब जगह। देखिए जब फिर मैं एक बार कहूंगा कि जब किसी का टिकट या स्थान से हटता है तो थोड़ा सा व्यथित होकर कुछ बातें कहता है, लेकिन मैं ठुकराल जी ने साथ में एक और बात अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वह जो है ठुकराल जी कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और जरूर वह अपने अच्छा। निर्णय को दोबारा एक बार ऑडियो सुना था आपने, सोच आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ऐसा है कि कब क्या किस समय किस परिस्थिति में क्या बोला और क्या रिकॉर्ड हो गया, इस विषय को ज्यादा अभी मैं कुछ कहने के इसमें। अच्छा चैंपियन साहब को भी क्लीन चिट दे रहे हैं मतलब आप? देखिए अब आप चैंपियन साहब को के विषय पे तो बात अच्छा, करते हैं लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उत्तराखंड में महिलाओं को सम्मान देने के लिए 8 सीटों पे उम्मीदवार अपनी महिला कैंडिडेट उतारी है, आप उस विषय पे बात क्यों नहीं करते? आज चैंपियन साहब ने खुद अपने आप मना कर दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चैंपियन तो उन्होंने जो है और जहां देशराज कर्णवाल जी कह रहे थे कि उनकी पत्नी को मिल सकता है तो मेरी पत्नी ज्यादा सीनियर है, सरकारी नौकरी छोड़ के आई है, उनको टिकट दे दे। अब वो भी अब तो ऐसा बयान में चले गए। अब ऐसा नहीं, ये भी बोल रहा तिलक जी कि मैं टिकट तो मैं नहीं मांग रहा था, मैं कह रहा मुझे भी दे दो, मेरे भाई को दे दो, ऐसा नहीं होता। अब ठीक है, जिसको मिलेगा वो किसी एक को मिलेगा। ओके, अब देश की बात रखिए तो कमलेश मन जी इसका जवाब लूंगा, जिसका जिक्र अभी रविंद्र जी कर रहे थे। नहीं मैंने कि देशराज जी तो यहाँ से आगे भी कह रहे थे कि बीजेपी के दो नेता मेरे घर में आए थे, कहा तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हारी पत्नी को जला देंगे, मेरी पत्नी तो अच्छी खासी सरकारी टीचर थी, इन नेताओं के चक्कर में आके मैंने सरकारी नौकरी भी चलेगी, मोटे पैसे मिलते थे, कम से कम घर तो चलता, इन्होंने मुझे वादा किया था कि तुम्हारी पत्नी को टिकट दे देंगे, ना तो पत्नी का टिकट दिया ना मेरा टिकट हुआ। तो जो अभी कमलेश दीदी बोल रही थी कि बड़ा सर्वे होता है तमाम चीजें हैं, तो मैं दीदी से बोलना चाहूंगा कि दीदी अगर सर्वे होता तो टिहरी से जो है धन सिंह नेगी सुबह आए दिन के टाइम में और सिंपल लेके टिहरी गए, तो दीदी वो कौन सा सर्वे था? क्या मतलब आपने पहली सर्वे करा था कि बीजेपी के धन सिंह नेगी आ रहे हैं और किशोर को भगाना है, धन सिंह नेगी को लाना है? दीदी किशोर उपाध्याय का सर्वे करवा लिया था पहले, और दीदी सर्वे में तो एक बार आप भी नहीं, दीदी भी सर्वे में राज वो सर्वे राजपुर कोर्स में हो चुका था। नहीं दीदी जो है सर्वे में दीदी राजपुर सीट पर टॉप में थी, लेकिन दीदी क्यों नहीं बोलती कि बोगड़ा जी ने राजकुमार जी बोगड़ा जी के प्रिय थे उनको टिकट दिला दिया, दीदी खाली हाथ रह गई। तो दीदी सर्वे कुछ नहीं होता है, सेटिंग गेटिंग का खेल है दीदी जरा। अच्छा ये सब वहां पर भी है। ओके कमलेश शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जो रविंद्र जी ने सवाल उठाया कहा कि ये पोस्टर लिखा हुआ अच्छा लगता है जो आपके पीछे है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन 4 उतारे हमने 8 उठा दे, और 4 उतारे उसमें से भी दिलचस्प बात ये कि ममता राकेश तो पहले से ही फाइनल थी, एक आपने उतारा पता नहीं अनुकृति गोसाई का कौन सा सर्वे हुआ था वो आपको पता होगा मैडम जी, और तीसरी मेहरबानी जो है वो अनुपमा रावत जी, समझ सकते हैं भाई जो हरदा कहे वही सही, खाता ना भाई जो हरदा कहे वही सही है, मैं नहीं बोल रहा था ये हरदा। देखिए मैंने अपनी बात में पहले ही कहा था कि जो आया राम गया राम होते हैं ना, ये सब सर्वे बिगाड़ देते हैं, कितना भी सर्वे पार्टी करा ले सारे सर्वे फेल हो जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अवधेश जी कि मैंने कहा सारे सर्वे फेल हो जाते हैं जब आया राम गया राम आते हैं और जाते हैं, महिलाओं पर आइए ना, सर्वे में हम भी फेल है, सब फेल है। आप लड़की को लड़ सकती को नारा देते हैं, कितनी लड़कियों को लड़वाया आपने? देखिए ये नारा तो मेरा आज भी है क्योंकि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और मैं संघर्ष हमेशा करूंगी और संघर्ष करके एक दिन मैं उस मंजिल को जरूर पाऊंगी जो मुझे सेवा करनी है, जरूर मिलेगी वो मंजिल। जब तक आप जैसे स्तंभ हमारे साथ खड़े होंगे कार्यकर्ताओं के साथ में, हम लोग बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। अच्छा अब रही बात महिलाओं के सम्मान, टिकट जी महिलाओं को टिकट देने की बात रविंद्र जी कह रहे जी। तिलक जी देखिए पार्टी ने अपने अपने आकलन के हिसाब से महिलाओं को टिकट दिया है और बीजेपी ने अपने हिसाब से दिया है, कांग्रेस ने अपने हिसाब से दिया है,
अब इस तरीके से तो उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को मिला, बंपर वोट मिला, 160 महिलाओं को मैदान में उतारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ महिलाओं की, यहाँ जो मेरी बहन लड़ सकती थी उसे तो लड़ने दिया नहीं, वहां तो जो है हरदा आके कह रहे नहीं भाई मैं लड़ूंगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि हमारी बहनें जहाँ पर भी थी बहुत मजबूती के साथ में थी और बहुत मजबूती के साथ में टिकट भी मांग रही थी और चुनाव लड़ती तो जीत के भी आती है, ऐसा नहीं है। विधानसभा में जो बहनें पहुंचेंगी बहुत मजबूती से पहुंचेंगी हमारी बहनें। अब महिलाओं की रही बात की सम्मान की, तो सम्मान तो देखिए मुझे लगता है कि जब तक 33% आरक्षण हम लोगों को लोकसभा से पास नहीं होगा हमें भटकना पड़ेगा और इनसे मांगना भी पड़ेगा। अब देखिए जैसे बीजेपी ने नारा लगाया आपकी बार 60 पर जी, आपकी बार 60 पर जी, सुबह से मुझे दोपहर हो गई शाम हो गई। अब देश भाई सुबह से शाम हो गई मैं देहरादून का चप्पा चप्पा छान मारा, सचिवालय से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लेकर महानगर कार्यालय, घंटा घर, पता नहीं कहां कहां, यमुना कॉलोनी, सब जगह चला गया मैं। रविंद्र भाई मुझे अब की बार 60 पार का वो नारे वाला पोस्टर नहीं दिखाई दिया, वो पोस्टर ही नहीं दिखाई दिया मुझे, एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूं मैं, वो पोस्टर मैं ढूंढता रह गया, वो पोस्टर मुझे दिखाई नहीं दिया। वहां मोदी जी का वो गुफा वाला एक पोस्टर मैंने देखा, बहुत शानदार पोस्टर था वो अब की बार 60 पार वाला पोस्टर ही गायब हो गया। जो भाई अब देख भाई थे ना, देखिए भाई 60 पार का नारा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का लगभग एक साल से जो है पूरे उत्तराखंड में चल रहा है और देखिए चुनाव के चलते हुए नारों की और पोस्टर की, जैसे जंग एक चुनाव की होती है कार्यकर्ताओं के बीच होती है प्रत्याशियों के बीच होती है, ऐसी एक जंग होती है, एक लड़ाई होती है पोस्टर की होती है नारों की होती है। अब की बार 60 पार का नारा आज भी भारतीय जनता पार्टी के घर घर तक पहुंच चुका है और उसे कहीं ना कहीं उसको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन रही बात पोस्टरों की, तो पोस्टरों का भी एक वॉर होता है, नए 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 नारे नए नए पोस्टर, और अब की बार 60 पार वाला दादा पोस्टर पिछले एक साल से एक 60 पार के लगातार लगते हैं। मुझे आज तो अब दिखाओ 60 पार गया कहां वो नारा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक पोस्टर वॉर की भी लड़ाई होती है, हर समय एक नारे को लेके जो कि नारा पिछले एक साल से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में है और वो हमारे बूथ तक है। और आज आप तो देहरादून के चप्पे चप्पे को खंगालते हैं, जरा मुझे भी बताओ कि रास्ता ऐसा हो जहाँ जहाँ एक बार 60 पार वाला पोस्टर मुझे मिल जाए। तिलक जी नहीं होगा, अगर आपका नहीं होगा ना, मैं पक्का जाऊंगा मैं वहाँ पर। अब देश में क्या विकास ही नहीं किया है, विकास ही नहीं किया तो 60 पार कैसे होगा? मुख्यमंत्री बदले आपने केवल तीन, देखो अब देखो आपको आपको विकास नहीं होगी, आपको विकास नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप आंखें बंद कर लेते हो, आपकी आंखें बंद हो जाती है तो बता कि मैं आंखें बंद कर लूंगा। वो आंखें अभी तक बंद है, जो हरदा ने करी थी वो आंखें अभी तक बंद है क्योंकि विकास दिखने का ही नहीं। कांग्रेस को कभी भी विकास दिखेगा ही नहीं। उज्ज्वला फ्री में दिए थे, आज 1000 देंगे, भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, तो ये जवाब तो आपको जनता को देना पड़ेगा। आज तिलक भाई इनके विधायकों को लोग जनता अपने दरवाजे पे रुकने नहीं दे रही है, इनके पंपलेट फेंक रही है जनता, कह रही है जाइए यहाँ से, क्योंकि आपने 1000 का सिलेंडर कर दिया, आपने मेरे बच्चे को बेरोजगार कर दिया, आपने पलायन नहीं रोका, आपने कोरोना में हमारी मदद नहीं करी। आज जनता इनके विधायक को देखिए, जनता पूरे उत्तराखंड की जनता को पता है कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कोरोना काल में बीच में गया, किस कदर फ्री राशन घर घर पहुंचाया है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने। तो भगाने की नंबर आप लोगों का है कि आपके प्रत्याशियों को लोग खड़ा भी नहीं होने दे रहे। अच्छा, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कहां थे, कहां थे? गुस्सा नहीं रविंद्र जी, वो अभी मैं अवधेश जी से भी पूछूंगा एड्रेस, और मैं खुद भी कह रहा हूँ ना, मैं सुबह से शाम हो गई, ये तो मजबूरी थी कि मुझे जो है स्टूडियो में आना पड़ा डिबेट करने के लिए। मैं तो आज तो मैं ढूंढ के रहता, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ढूंढूंगा अब की बार 60 पार वाला पोस्टर, नहीं मिलेगा पोस्टर।
पूरे देहरादून में छांट लिया, कहीं नहीं मिला। मेरे को एड्रेस बता देना बस, मैं पहुंच जाऊंगा, पक्का पहुंचूंगा, चाहे रात को जाना पड़े, मैं पोस्टर ढूंढ के रहूंगा कि वो पोस्टर मिल जाए मुझे। आपकी बार 60 बार। ओके डीके पाल साहब, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? डीके पाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ओके डीके पाल साहब, अब मुझे अवधेश भाई एक बात बताओ, मैंने कोई गलत खबर बोली क्या? मेरे को वो नारा नहीं दिखाई दिया आपकी बात 60 बार। ये कह रहे हैं बागियों को मना लेंगे, बागी तो कैसे मानेंगे, ये भी तो सवाल है। अवधेश नोटियाल जी, सर बागियों को तो मुझे नहीं लगता कि दोनों ही पार्टियां बागियों को मनाने के मूड में है। बागियों को तो अगर वो नेता जो स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ रहा होगा, वो अगर इंटरेस्ट लेगा, उसको अगर लगेगा कि किसी बागी के उससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान है, तभी जाके बागी मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि पार्टियों के अपने बड़े एजेंडे में, हो सकता है कि आप एक कमेटी का गठन कर दें, तमाम चीजें जो एक होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सर्वे के लिए कमेटी बना दी, जो कमेटी जो है बूथ से नाम मंगाएगी, बड़े स्तर चलेगी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बागी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी भी एक दल को फुल मेजोरिटी मिल सकती है। तो ऐसी वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, तमाम और भी बड़े लीडर जो मुख्यमंत्री की दौड़ में है बाहर से देख रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद जो है लेटर लिख चुके हैं कि मुझे नहीं लड़ना, लिखवाया गया है, लिख चुके हैं, वो कहानी छोड़ दीजिए। तो तमाम नेता चाहे संगठन में हो, सरकार में हो, तमाम हर किसी की नजरें होती है सत्ता की चाहत में और मुख्यमंत्री कुर्सी पर। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जो संजीदगी के साथ हर जगह से जो है बागियों को टटोला जाएगा, मनाया जाएगा। इस बार की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, और जो जो बाहर से तमाशा देखने वाले हैं, ये जो बाहर से रणनीतियां बना रहे हैं, जो चाहते हैं कि मेजोरिटी कम आ जाए और अब की बार 60 पार का नारा तो फेल हो, और जो युवा मुख्यमंत्री युवा सरकार का नारा भी फेल हो जाए, सत्ता की चाबियां जो है, जो सियासत की पिक्चर है वो पलट जाए, जो अभी तक स्क्रीन में जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसको हटा करके जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स हम लिखेंगे पिक्चर का। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जो क्लाइमेक्स लिखने वाले लोग हैं वो बाहर से अभी देख रहे हैं और वो अपने हिसाब से क्लाइमेक्स लिखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो बागियों को बैठाएंगे, क्योंकि अगर बागियों को बैठाने की दशा होती तो ये पहले ही हो जाता, क्योंकि टिकट बंटवारे के टाइम ही बिल्कुल साफ सुथरी स्थितियां होती। लेकिन तमाम टिकटों पे आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बहुत जगह सिंबल पहुंच गए थे, सिंबल के बाद नाम बदले गए, 2 से 3 बार नाम बदले गए, तमाम चीजें, कई जगह पर नेताओं ने अपने बीटों का इस्तेमाल किया कि जब बोला गया कि हाँ तो ठीक है जी, मेरे समर्थक है, मैं अपने बीटो पावर का इस्तेमाल करता हूँ, तमाम जगह। तो इस बार स्थितियां तिलक जी बिल्कुल भिन्न है, मुझे नहीं लगता। अवधेश जी, अभी तो मैं आ रहा हूँ एक और महत्वपूर्ण खबर पर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पोस्टर कहीं दिखाई दिया आपको आपकी बार 60 पार वाला? देखिए पोस्टर तो जो नया नारा है ना, नया नारा ऐसा दिया है कि वो नया नारा जो है तमाम लीडर को पढ़ पढ़ के बोलना पड़ता है कि किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। तो मैंने कई सारी पीसीएफ कवर की, तो बार बार पढ़ रहा हूँ। हाँ तो बार बार पढ़ के उस नारे को, हाँ तो मैंने भी उनकी टीम से बोला कि भाई किसने डिजाइन किया, ये कौन था वो, और कितने पैसे इसने इस नारे को डिजाइन करके लिए हैं जो इतना नारा ऐसा कर दिया। मतलब कि मैंने कांग्रेस के भी पंच लाइने हैं बहुत अच्छी बन रखी है, आपका आपकी बार 60 पार का नारा बहुत सही था, तो ये अजीब सा नारा किसने कर दिया, किया है, करती है, करेगी, इससे भाजपा ने तमाम चीजें जी, नारा तो नारा ही होता ना, वो सही कह रहे थे, नारों से चुनाव नहीं जीता जाता, नारों से परसेप्शन क्रिएट होता है। रवि जी सही कह रहे थे, हाँ खंडूरी है जरूरी, वो नारे तक ही सीमित रह गए, तो बिल्कुल हाँ, तो वो खंडूरी है जरूरी, जैसे अब की बात 60 पार। अब मुझे एक बात बताइए अवधेश भाई, थोड़ा सा उत्तराखंड की जनता को ये भी समझाइएगा, एक सेफ सीट, चलिए ये तो कश्मकश जहां पर सैकड़ों दावेदार किसी का टिकट कटा, कोई बागी हो गया, एक सीट ऐसी जिस पर कोई कंफ्यूजन नहीं, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर से ना नीचे से, कोई कंफ्यूजन नहीं, और वो सीट नामांकन के आखिरी दिन छोड़िए आखिरी घंटे में तय होती है, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी संगठन का दावा करने वाली, वो आखिरी घंटे में तय करते हैं कि डोईवाला से हमारा प्रत्याशी कौन होगा, ये क्या चक्कर है डोईवाला वाला?
देखिए बिल्कुल, ये डोईवाला का मैटर जो है ये शुरू से ही पेचीदगी वाला था। ये पेचीदगी तब पैदा हुई जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पत्र लिखा कि जो है मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और मैं संगठन में रहकर कार्य करना चाहता हूं। तो उसके बाद जो है पल पल सिनारियो बदलते चले गए। हमारे पास जो अपने अपने सूत्र या तमाम जो हमें जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ था बीजेपी का, उस सर्वे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद जो तमाम चीजें सर्वे हुए तो उसमें कहीं ना कहीं सौरभ थपलियाल का नाम जो है अप था। लेकिन उसके बाद रविंद्र जी आप बता दीजिए क्या था मसला वो डोई वाला। आपकी सबसे सेफ सीट जहां पर आप प्रत्याशी चयन करने के लिए नामांकन के आखिरी दिन तय करते हैं कि प्रत्याशी कौन होगा, आखिरी क्षण में पैराशूट कैंडिडेट आता है, पूरी बगावत हो जाती है डोई वाला में। आप ये बताएं कि ये कहां लिखा है कि आखिरी क्षणों में कैंडिडेट जो है चिन्हित नहीं हो सकता। अच्छा, आपकी सबसे सेफ सीट पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सेफ सीट वो थी जहां जिस पैनल में सर्वे ही नहीं हुआ, ये तय था कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चुनाव लड़ेंगे। अब चिट्ठी लिखी या लिखवाई गई वो बात अलग। अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना, अब आप मेरी बात सुन लीजिए कि ऐसा है कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब चुनाव लड़ने के लिए अपना मन बता दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उसके बाद जो है उसकी प्रक्रिया एकदम चेंज हो गई। कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे लोगों की पहले से भी थी कि चुनाव लड़ने की आशा थी, तो उसमें और ज्यादा नामों की संख्या जुड़ गई और इस कारण पार्टी को जो है उसपे आकलन करने पे, उसपे टाइम लेने पे, उसपे और कहीं ना कहीं कुछ कुछ वहां के लोगों की भी लगातार ऐसी आवाज हो रही थी कि आ रहे जो कार्यकर्ता थे वह लगातार ये भी कह रहे थे कि त्रिवेंद्र जी को लड़वाओ। ओके, रविंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन डीके पाल साहब जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। पाल साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा मेरा जो बगावत कांग्रेस और बीजेपी में बगावत हो रही है, उसका फायदा मिलेगा कुछ आप लोगों को? देखिए, बगावत तो ये पिछले 20 साल से एक दूसरे में जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, इस राज्य के अंदर जितनी बगावत कांग्रेस ने भाजपा में जाने की और भाजपा ने कांग्रेस में जाने की है, उसका खामियाजा 2022 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण है, आप एक तो खुद बे खुद फुटबॉल बने हुए हैं, कोई इधर जाता है, कोई एक घंटे बाद पहले उधर जाता है, कोई उधर जाता है, एक विधायक पूर्व विधायक ज्वाइन करते हैं, दूसरा जो वर्तमान विधायक है वो उधर चला जाता है। ये राज्य के साथ धोखा है, ये जनता के साथ धोखा है। आपने भी तो प्रत्याशी बदले ना। प्रत्याशी बदलना अलग बात है, एक दूसरे में जाना, छूट करके जाना इधर से आधा, ये दुर्भाग्य की बात है। आपके पास लेने वाला कौन है? हमने किसी को नहीं लिया, हमारी पार्टी ने नहीं, हमारी पार्टी ने किसी को नहीं लिया। अच्छा, सुनीता बाजवा कहाँ से आई है? सुनीता बाजवा, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति इस राज्य की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, हम उस हर आदमी का स्वागत करेंगे, लेकिन किसी को तोड़ेंगे नहीं, किसी को जोड़ेंगे नहीं। इस राज्य की भलाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी का एक ही वादा है, ईमानदारी की राजनीति और काम की राजनीति उत्तराखंड के अंदर, उसको लागू करना है, उस लड़ाई को लड़ना है और हर हाल में हम राज्य की लड़ाई के लिए। तो आज इनके प्रवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि किस कदर राज्य का इनकी अनदेखी करी है। इनके यहाँ तो लड़ाई केजरीवाल के नजदीक कौन होगा उसकी लड़ी जा रही है। आज संजय भट्ट जी ने जो इस्तीफा दिया है, तो आप इतनी ज्ञान की बातें ना दे, ये केजरीवाल संजय भट्ट जी तो विचारधारा से जुड़ी नहीं पाए सर, आम आदमी की विचारधारा हो, चाहे कोई भी हो उसको ईमानदार होना पड़ेगा। आपकी विचारधारा देखिए दिल्ली में दंगों के माध्यम से, आपकी विचारधारा के लोग कैसे दंगा करा रहे हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, 12 साल में आपने इस राज्य को 70,000 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया है। 10 साल में कांग्रेस ने, 12 साल में आपने, आपसे जनता हिसाब लेगी, 2014 तारीख का हिसाब लेगी। आपके पास आंकड़े होते हैं रविंद्र जी एक मिनट, अवधेश नोटियाल में एक बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तीसरे विकल्प का जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी खूब प्रयास किया तीसरा विकल्प बनने के लिए, आम आदमी पार्टी भी कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं है जो निर्दलीय निर्दलीय निर्दलियों की हम जिक्र कर रहे हैं और उसमें से आम आदमी पार्टी कुछ कुछ दिखाई दे रहा आपको? जैसे कि कुछ दिखाई दिया मुझे काशीपुर में, कुछ दिखाई दिया बाजपुर में, अब इन्होंने कल जो है नैनीताल में भी हे मारे, तो कुछ लगाई दिखाई दे रहा आपको कि
आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कम से कम फाइट में तो दिखाई दे। हम देखिए बिल्कुल तिलक जी, मुझे जो उधम सिंह नगर की बेल्ट है, उधम सिंह नगर की बेल्ट में आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है। हरिद्वार की मुझे एकाध सीट पर स्थिति मजबूत लग रही है, और एक जो गंगोत्री वाली इनकी सीट है, गंगोत्री वाली सीट पर भी इनकी स्थिति मजबूत है, जहां से खुद इनके सीएम पद के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। लेकिन ये चीजें थोड़ा सा ना वो कमलेश रमन जी कह रहे थे जमानत भी नहीं बचेगी उनकी, तो मुझे नहीं नहीं वो कह रहे थे जमानत बचाले कर्नल कोठियाल, वो भी बड़ी बात है। वो बेचारी टिकट ना मिलने की वजह से दुखी है थोड़ा सा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। सब कमलेश मैडम को टारगेट कर रहे हैं, सब कमलेश मैडम को, सब महिलाओं के साथ है, सब महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिला जब अधिकार कमलेश मैडम छोड़िए ना, फिर अभी ये लेंस डाउन लेकर चले जाएंगे खामखा, पूछेंगे आपसे कि कौन सा सर्वे करवा दिया था मैडम का आपने। कमलेश मैडम जितनी उम्र आपने कांग्रेस को दे दी, 17 साल तो मुझे हो गए देखते हुए आपको, अब दीदी आपकी बारी भी, अब दीदी आपकी बारी भी है, बगावत कर दीजिए इस बार। भाई मेरा चैनल ऐसा मत करो भाई, बहुत रविंद्र जी की ट्रोल आर्मी जो है वो बड़ी खतरनाक है, कई बार मेरे पीछे पड़ी पार्टी ने भाई, ऐसा मत करो, सम्मान किया है तो पार्टी का साथ तो देना ही है। अब आगे भी संघर्ष जारी रहेगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मेरा संघर्ष जारी रहेगा। ये नारा ये अच्छा लगता है मैडम, वरना फिर लैंस डाउन में प्रचार करेंगे ना आप, लैंस डाउन में जाकर प्रचार करेंगे ना आप, फिर मैं आपसे पूछूंगा लैंस डाउन में जाकर कि कौन सा सर्वे हुआ था। 17 साल जिस दिन कार्यकर्ता आपकी तरह मेहनत कर लेना, लैंस डाउन चुनाव लड़ने की हिम्मत हो जाएगी। छोड़िए मैडम ये नारे होते हैं, नारों का क्या, छोड़िए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैडम, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था बस। नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ और अगर मुझे अगर रविंद्र जी आपको एड्रेस मिले तो मुझे बता देना, वो 60 पार वाला मैं बहुत तलाश रहा हूँ, बहुत देर। साठ पार का नारा घर घर तक पहुँच चुका है, लोगों के दिलों में है, और ये नारा आप यकीन के साथ पार का नारा हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता चिंता करते हैं। ओके डीके पाल साहब, सारे तो आ गए अपने और बेगाने आपके भी हो गए सब कुछ, अब कांग्रेस बीजेपी मत बोलिएगा, बाकी सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश भाई आपका भी, ये सियासत है, बहुत कुछ समझाते हैं आप कि सियासत के खेल में हो क्या रहा है, लेकिन ये इतना जरूर है कि ये बागी अब खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, बनाएंगे तो किसका, बिगाड़ेंगे तो किसका, और क्या वाकई में इतिहास अपने आप को दोहराएगा 2012 और 2007 वाला जहां पर निर्दलियों का बोलबाला था, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।